की वे ब्लिपी स्टेशन। चलो सब हल्ला मचाओ, मिलके कुछ सीखें, जल्दी आओ ब्लिपी। हेलोवीन सबसे मजेदार है टैप, और मुझे ट्रिक या ट्रीटिंग भी पसंद है। हे देखो, हॉन्टेड हाउस। वाह, सारी सजावट देखो, ये कितना कूल है। तुम सही कह रहे हो टैप, हो सकता है कि अंदर ट्रीट्स हो। मुझे आश्चर्य है, एक हॉन्टेड हाउस के अंदर आखिर क्या हो सकता है। चलो पता करते हैं। तैयार हो टैप? टैप, मुझे टैप को ढूंढने के लिए हॉन्टेड हाउस में जाना चाहिए, इसमें मजा आएगा। हेलो, मैं ब्लिपी हूँ। मैं अपने दोस्त टैप को ढूंढ रहा हूँ, क्या आपने उसे देखा है? हेलो ब्लिपी, मैं मिस्टर पम्पकिन हूँ। क्या वो भूत था? शायद, हाँ, मैंने टैप को नहीं देखा, पर तुम उसे इस हाउस में ढूंढ सकते हो, जहाँ काफी चमत्कारी चीजें हैं, जो मजेदार भी है। वाह, शायद मेरे दोस्त बॉन्स ने टैप को देखा हो, वो बेसमेंट में है। मैं सीढ़ियों से देखना शुरू करता हूँ। ठीक है। वो वो एक स्लाइड में बदल गया। मिस्टर पम्पकिन, टैप, हेलो। ओह सॉरी। चिंता मत करो, बॉन्स के साथ ये अक्सर होता है। शायद उसने टैप को देखा हो। मैं इसे पहले उठा लेता हूँ। मैं ऐसा नहीं करता। वो? से माफ करना बॉन्स। वाह, हो सकता है कि उड़ता हुआ भूत जानता है कि टैप कहाँ है, इसका पीछा करते हैं। ओह, हेलो डायन, बाय डायन। मुझे लगता है कि रास्ता यही खत्म है। मुझे आश्चर्य कि सब कहाँ गए। कूल, एक घूमती हुई दीवार। ब्लिपी, तुम मेरे हॉन्टेड हाउस पूरा घूमने में सफल हुए। ट्रिक्स खत्म हो गई है, लेकिन अब ट्रीट का समय आ गया है। एक मिनट, मुझे लेकिन अभी तक टैब नहीं दिखा। टैब, तो तुम्हें इतनी देर से भूत बने घूम रहे थे। अब मुझे मेरे सवालों का जवाब मिल गया कि हॉन्टेड हाउस के अंदर आखिरकार क्या है। मजेदार, डरावना कंकाल, मकड़ी का जाला, एक बात करने वाला कद्दू, मकड़ियाँ, एक डायन, एक तैरता हुआ टैप का भूत। उत्तर अपलोड करो टैप। हमें अपने घर में मौज मस्ती करने देने के लिए धन्यवाद मिस्टर पम्पकिन। हैप्पी हैलोवीन। हैप्पी हैलोवीन। वाह टैब, ये उछलता हुआ महल इस दुनिया का नहीं लग रहा है। मैं सोचता हूँ चांद पर उछलने में कैसा लगेगा। बेहतरीन आइडिया टैब, हम चांद पर जाकर पता लगा सकते हैं। मुझे एक रॉकेट बूस्टर, एक्सवेटर आर्म और फ्रॉग लेग्स चाहिए। रॉकेट बूस्टर, एक्सवेटर आर्म और फ्रॉग लेग्स कंफर्म। ठीक है, चलो इसे एक्सप्लोर करते हैं। ब्लिपी मोबाइल रोमांचक धमाका करने के लिए तैयार है, और वहाँ है जान। वाओ, ठीक है, उतरने का समय आ गया। मुझे गुदगुदी हो रही है। तुम कौन हो? मेरा नाम रॉकी द मोड रॉक है, क्योंकि मैं हूँ एक चट्टान। हे रॉकी, मेरा नाम है ब्लिपी और इसका नाम है टैब। हम यहाँ पर यह पता लगाने के लिए आए कि चांद पर उछलना कैसा लगता है। एक चट्टान होने के नाते मैंने इसे खुद कभी नहीं आजमाया, लेकिन मुझे देखने दो कि क्या मैं उठ सकता हूँ। ठीक है, चलो फिर उछलते हैं। चा, मैं एक पंख की तरह हल्का महसूस कर रहा हूँ। मुझे नहीं पता था कि मुझे इसमें इतना मजा आएगा। मैं
मैं काफी हैरान हूँ कि हम यहाँ इतने लंबे समय तक तैर रहे हैं और नीचे आने में इतना समय क्यों लग रहा है। ये है ग्रेविटी के कारण। ये वो शक्ति है जो चांद के जूतों को जमीन पर रखती है और ये चीजों को वापस नीचे खींचती है। लेकिन 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 पृथ्वी की तुलना में चांद के चारों ओर कम ग्रेविटी है क्योंकि चांद बहुत छोटा है। इसलिए इतने लंबे समय तक हम तैरते रहते हैं। मुझे मेरे सवाल का जवाब मिल गया कि चांद पर कैसे उछलते हैं। ये बहुत मजेदार है और उछाल वास्तव में बहुत ऊंचा है क्योंकि चांद पर पृथ्वी की तुलना में कम गुरुत्वाकर्षण या फिर कहें ग्रेविटी है। उत्तर अपलोड करो टैप। हमें ऐसा लगता है कि हम तैर रहे हैं लेकिन ग्रेविटी धीरे धीरे हमें नीचे की ओर खींच रही है। मेरे यानी रॉकी द मून रॉक के साथ सबसे बेहतरीन समय बिताने के लिए तुम्हारा धन्यवाद। वाह रॉकी, उछलते रहो ब्लिपी। वाओ, ओ नहीं डीबो, जरा देखो पानी कैसे फ्रिस्बी को दूर आइलैंड की तरफ ले जा रहा है। मैं सोच रहा हूँ इसी तरह आइलैंड्स बहते क्यों नहीं। सही कह रहे हो, चलो आइलैंड से ही पूछकर पता लगाते हैं। मुझे चाहिए हेलीकॉप्टर ब्लेड्स और डक फीट। हेलीकॉप्टर ब्लेड्स, डक फीट कंफर्म्ड। ब्लिप स्टेशन एक्टिवेट करो। तो ब्लिपी मोबाइल एडवेंचर के लिए तैयार है। ओह हेलो नए दोस्त। हाय, मैं ब्लिपी हूँ और ये डीबो है। दोनों से मिलके अच्छा लगा। मैं आइवन हूँ। आइवन, तुम बहते क्यों नहीं हो? मुझे लगता है इसकी वजह है मेरा बॉटम। ओह तो चलो पानी के नीचे जहाँ मेरा बॉटम है वहीं देख के पता लगाएं। अरे ये क्या, मैं तो नीचे नहीं देख पा रहा हूँ। सही कह रहे हो डीबो, तुम सारा पानी पी लो तो अच्छा रहेगा, फिर हम अच्छे से बॉटम को देख पाएंगे। मुझे भी देखना है कि नीचे क्या है। ओके डीबो, पी जाओ। वाओ, ये कलरफुल कोरल रीफ्स कितने ज्यादा सुंदर हैं, और हम सब कुछ देख सकते हैं। और आइवन, जितना मैंने सोचा था तुम उससे ज्यादा बड़े हो। थैंक्स, मैं और भी बड़ा हूँ, अभी तो तुम मेरे पेट तक ही पहुँचे हो, देखो। ओह डीबो, क्या तुम और पानी पी लोगे ताकि हम बॉटम को अच्छे से देख सके? क्या तुम ठीक हो डीबो? आइवन, तुम्हारे पास तो बहुत सारी अमेजिंग चीजें छिपी हुई है। हे, क्या अब हम बॉटम तक पहुंच गए? नहीं, अभी तुम मेरे घुटनों तक पहुंचे हो, अभी तो आधा रास्ता बाकी है। क्या तुम पानी का एक और बड़ा घूंट ले पाओगे डीबो? अगर ले पाओगे तो हम बॉटम को अच्छे से देख पाएंगे। पता था तुम कर लोगे। तुम पहुंच गए ब्लिपी। तुम मेरे पैरों पर हो। सच में? पर तुम्हें कैसे पता? क्योंकि जब तुम चलते हो तो गुदगुदी होती है। आइवन, तुम तो सागर के बॉटम से जुड़े हुए हो और तुम तो एक पहाड़ जैसे हो। ओ डीबो, ओ नहीं, वाह ये तो मजेदार था। और अब मेरे पास इस सवाल का जवाब है कि आइलैंड्स बह क्यों नहीं जाते। आइलैंड्स बह नहीं जाते क्योंकि वो सागर के तल से जुड़े हुए पहाड़ होते हैं। जवाब अपलोड करो डीबो। तुम्हारी हेल्प के लिए शुक्रिया आइवन, यू रॉक। जल्द ही फिर मिलेंगे। जब भी मन करे मैं हमेशा यही रहूंगा। बाय बाय फ्लिपी। अच्छा चलो अब पिकनिक करते हैं। देखो कितनी सारी चींटियां हैं टैब्स, और वो सब एक साथ में चल रही है टैब्स। मुझे जानना है कि चींटियां लाइन में क्यों चलती हैं
अच्छा आइडिया है टैब्स, हम चींटी के साइज जितने श्रिंक होकर ये जान लेंगे। इसके लिए मुझे चाहिए स्पाइडर लेग्स। स्पाइडर लेग्स कंफर्म। ब्लिप स्टेशन एक्टिवेट करो। श्रिंक हो जाओ। ब्लिपी मोबाइल एडवेंचर के लिए तैयार है। नमस्ते, स्वागत है। मैं अनीता हूँ और ये शानदार चींटियों का मेरा ग्रुप है। हे, मैं ब्लिपी हूँ और ये है टैब्स। अनीता, हम ये जानने आए हैं कि चींटियां लाइन में क्यों चलती हैं। हमारी लाइन में आ जाओ और खुद जान जाओ। हम घर पर दलिया बनाने के लिए सामान लेने जा रहे हैं। वाह अनीता, बहुत मजा आएगा। वो तो है। अरे वाह मिराबल, इतनी स्वादिष्ट दिखने वाली चीज कहाँ से लाए हो तुम? जरा हमें भी बता दो। जानकारी देने के लिए ढेर सारा थैंक्स मिराबल। हम चींटियां अपने एंटेना से एक दूसरे को जानकारियां देते हैं। चलो आ जाओ। ओ, 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 ओ। कैसे हो पक्षी? हेलो हेलो अनीता। हेलो, हम यहाँ हैं, इसी रास्ते पर मेरे दोस्त। ये रास्ता है? दिख ही नहीं रहा है। दिखता नहीं है क्योंकि ये खुशबू से बना है। जब हम चलते हैं तो एक खुशबू छोड़ते हैं और पीछे आने वाली चींटियाँ अपने एंटीना की मदद से उसे सूंघ लेती हैं। तो चींटियों के पास नाक के बजाय एंटीना होता है क्या? अरे, तुम्हारे एंटीना हिल रहे हैं। सही कहा, मेरे एंटेना हिल रहे हैं क्योंकि उन्हें इस तरफ कुछ स्वादिष्ट खाना दिख रहा है। ध्यान से आओ, सड़क उबड़ खाबड़ है। अरे अनीता, तो हमें हमारे पिकनिक ब्लैंकेट पर ही ले आई। क्या बात है, चींटियों खाने पर टूट पड़ो। याद रखना, साथ मिलके हर सपना पूरा कर सकते हैं। अंगूर अच्छे हैं, अखरोट हेल्दी है, चीज और क्रैकर्स लजीज, मजा आ रहा है। यकीन ही नहीं हो रहा है कि चींटियां ये सब कुछ उठा सकती हैं। ये सच है, हम चींटियां अपने भार से 10 गुना ज्यादा वजन उठा सकते हैं। अच्छा ठीक है, तो अब सब उसी रास्ते पर चलते हुए वापस घर चलो। बिल्कुल, जैसे कदम कदम बढ़ाए जा। और मुझे मेरे सवाल का जवाब मिल गया कि चींटियां एक लाइन में क्यों चलती हैं। चींटियां एक लाइन में चलती हैं क्योंकि आगे वाली चींटी अपने पीछे खुशबू की लकीर छोड़ती जाती है, जिसे पीछे वाली चींटियां फॉलो करती हैं। जवाब अपलोड करो चैप्स। बाय अनीता, तुम लोगों के साथ कदम ताल करना अच्छा लगा। बाय ब्लिपी। ये सारी पेंगुइन्स कितनी प्यारी हैं। जरा देखो कैसे पेट के बल फिसल रही हैं और घूम रही हैं। वाओ, देखो तो पेंगुइन्स उड़ भी रही हैं। अरे नहीं, वो तो पेंगुइन्स नहीं हैं। सही कहा डीबो, मैंने भी पेंगुइन्स को उड़ते नहीं देखा। मैं सोच रहा हूँ क्या पेंगुइन्स उड़ भी सकती हैं? मुझे चाहिए डक फीट और फ्लिपर्स। डक फीट फ्लिपर्स कंफर्म। ब्लिपी स्टेशन एक्टिवेट करो। छोटे हो जाओ। ब्लिपी मोबाइल एडवेंचर के लिए तैयार है। हे, मैं ब्लिपी हूँ और ये है डीबो। हम सोच रहे थे क्या पेंगुइन्स उड़ सकते हैं? हाय ब्लिपी, मैं पेपर हूँ। मैं सच में उड़ना चाहती हूँ और मैं चमकीली पट्टी वाला आइसबर्ग भी ढूंढना चाहती हूँ। चमकीली पट्टी वाली आइसबर्ग? हाँ, वो यहाँ का सबसे बड़ा आइसबर्ग है और अगर मैंने उसे ढूंढ लिया तो मुझे लगता है मैं फाइनली उड़ पाऊंगी। चलो आ जाओ। मैं वैडलिंग के बजाय टोबोगनिंग ज्यादा पसंद करती हूँ, ये काफी ज्यादा फास्ट होता है। All right. तो चलो। आइस स्लाइड का चक्कर, मैं हवा में उड़ने वाली हूँ, ये देखो। हाँ,
पहुँच ही गए थे। अब मुझे चमकीली पट्टी वाला आइसबर्ग ढूंढना है, फिर मैं सच में उड़ पाऊंगी। तो चलो ढूंढे। ये नहीं है, ये चमकीली पट्टी वाला नहीं है। कहाँ होगा वो? ओह, ये रहा चमकीली पट्टी वाला आइसबर्ग। चलो चलते हैं। वो चलो डीबो। ये आप बताओ, क्या हवा में उड़ने के लिए तैयार हो? हमेशा से तैयार थे। ये नहीं था, पर हम कुछ देर हवा में तो रह पाए ना। पेपर, तुम अब भी उड़ रही हो। सच में? वो, वो, सही कहा, मैं सच में पानी के अंदर उड़ सकती हूँ। और मुझे अपने सवाल का जवाब मिल गया। पेंगुइन्स उड़ नहीं सकती, पर ये अच्छी स्विमर्स होती हैं। और पंखों की बजाय इनके पास फ्लिपर्स होते हैं, जिनकी हेल्प से ये पानी में तैर सकती हैं। जवाब अपलोड करो डीबो। मैं ज्यादा बड़ी लहरों में तैरने जा रही हूँ। बाय दोस्तों। बाय पेपर। मुझे चॉकलेट बहुत पसंद है, बस थोड़ा सा भी और थोड़ा फिर बाद में। क्या तुम्हें चॉकलेट पसंद है डीबो? ठीक है, कुत्तों को चॉकलेट नहीं मिल सकती, इससे उनके पेट में दर्द होता है। मैं सोचता हूँ आखिरकार चॉकलेट बार कैसे बनते हैं। अच्छा आइडिया है, हम उस चॉकलेट फैक्ट्री में जा सकते हैं और पता लगा सकते हैं। मुझे चाहिए विंग्स, होवरक्राफ्ट और एक प्रॉप इंजन। विंग्स, होवरक्राफ्ट और प्रॉप इंजन कंफर्म्ड। फ्लिपी स्टेशन को एक्टिवेट करो। हम छोटे हो रहे हैं। फ्लिपी मोबाइल तैयार है रोमांच के लिए। चलो मिलते हैं चॉकलेट फैक्ट्री के कुछ चॉकलेट पार्ट से। हे हेलो, तुम कोको बीन्स नहीं हो? मुझे जरूरत है ताकि हम चॉकलेट बार बनाना शुरू कर सके। मैं बीन नहीं हूँ, मैं हूँ ब्लिपी और ये है डीबो। हाय ब्लिपी, हाय डीबो। मैं चॉकलेट बार बार्बू। मेरी चॉकलेट फैक्ट्री में तुम्हारा स्वागत है। शुक्रिया बार, मुझे ये देखना है कि चॉकलेट बार कैसे बनते हैं। क्या हम आपके साथ जा सकते हैं? बिल्कुल हाँ। ये सब कोको बीन्स से शुरू होता है। ये बीन्स पौधों से आती हैं। तो बीन्स चॉकलेट बार कैसे बनते हैं? वो एक छोटी यात्रा पर जाते हैं, सबसे पहले उनको नहलाया जाता है। इसके बाद सभी बीन्स को भूना जाता है, फिर वे नन्नी नन्नी बीन्स बन जाती हैं, और फिर सभी बीन्स पाउडर को चीनी और दूध के साथ मिलाकर मीठा और चिकना बनाया जाता है। चलो डीबो, इसकी करने का समय है। नहीं, लेकिन मजा आएगा। ये एक चॉकलेट बार डीबो है। इसके बाद चॉकलेट के बार में ठंडा होने के बाद हम उन्हें लपेटते हैं और वो तैयार हो जाते हैं। वाह, आप दोनों एक जैसे दिखते हैं, और मेरे पास मेरे सवाल का जवाब भी है। कैसे चॉकलेट बार बनते हैं? सारी बीन्स को धोकर गरम किया जाता है, क्रंच करके दूध और चीनी के साथ मिलाया जाता है, और फिर चॉकलेट बार के आकार में ठंडा किया जाता है। उत्तर अपलोड करो डीबो। एक मीठी यात्रा के लिए शुक्रिया बार्ब। कभी भी। बाय ब्लिपी। बाय। वो! वो वाला ब्लू है, वो वाला रेड है टैब्स,
और वो वाला ग्रीन। मैं सोच रहा हूँ आतिशबाजी में अलग अलग रंग क्यों होते हैं। अच्छा आइडिया है टैब्स, चलो पता लगाते हैं। मुझे चाहिए हेलीकॉप्टर ब्लेड्स और एक ग्रैबर आर्म। हेलीकॉप्टर ब्लेड्स ग्रैबर आर्म कंफर्म्ड। ब्लिपी स्टेशन एक्टिवेट करो। श्रिंक हो जाओ। तो ब्लिपी मोबाइल एडवेंचर के लिए रेडी है। ना, आतिशबाजी के इतने पास कभी मत जाओ, सेफ रहो और उन्हें थोड़ा स्पेस दो। ओके। हे, मैं ब्लिपी हूँ और ये टैब्स है। हम सोच रहे थे कि आतिशबाजी में इतने रंग कैसे होते हैं। हाय, मैं पेनी हूँ। मैं स्पिन करके तुम्हें सारी कहानी समझा दूंगी। पहले ये समझो कि आतिशबाजी छोटे रॉकेट्स होते हैं। उनमें ब्लैक पाउडर होता है जो बहुत जल्दी जलता है और आतिशबाजी को हवा में कई हजार फुट ऊपर पहुंचा देता है। वो इतना ज्यादा ऊपर। अच्छा आइडिया है टैब्स, चलो आसमान में चलकर ही आतिशबाजी का मजा लेते हैं। क्या तुम भी ब्लिपी मोबाइल में चलोगी पेनी? जरूर। वाओ, बढ़िया। हवा का भी ध्यान रखो, सेफ रहो और उन्हें स्पेस दो। कितने रंगीन है। आतिशबाजी के टॉप पर मेटल सॉल्ट्स पैक होते हैं जिन्हें स्टार्स कहते हैं। जैसे अलग अलग खाने से अलग अलग फ्लेवर्स आते हैं, वैसे ही अलग अलग मेटल सॉल्ट्स को जलाने पर अलग अलग रंग निकलते हैं। ध्यान से, एक और ऊपर आ रहा है टैब्स। टैब्स, क्या तुम ठीक हो? मैंने कहा था ना, सेफ रहो और उनको स्पेस दो। चलो जमीन पर चलते हैं, वरना बिग एंडिंग मिस हो जाएगा। सही कहा, चलो चले। शुरू हो रहा है द ग्रैंड फिनाले। कितना अमेजिंग शो है। और अब मुझे अपने सवाल का जवाब भी मिल गया है कि आतिशबाजी में अलग अलग रंग क्यों होते हैं। आतिशबाजी में अलग अलग रंग होते हैं उन अलग अलग सॉल्ट्स के कारण जो वो जलाते हैं। जवाब अपलोड करो टैब्स। बाय पेनी। बाय फ्लिपी, हमेशा कलरफुल रहो। वो देखो, एक पक्षी रात में उड़ रहा है। हाँ, ये चमगादड़ है। मैं सोच रहा हूँ चमगादड़ अंधेरे में कैसे उड़ते हैं। अच्छा आइडिया है डीबो, चलो हम रात में उड़ते हैं। मुझे विंग्स और स्पाइडर लेग्स चाहिए होंगे। विंग्स स्पाइडर लेग्स कंफर्म्ड। ब्लिपी स्टेशन को एक्टिवेट करो। हम छोटे हो रहे हैं। ब्लिपी मोबाइल रोमांच के लिए तैयार है। वाओ, ये किसकी लाइट है? हे, मैं हूँ ब्लिपी। मैंने तुम्हें ढूंढने के लिए अपनी तेज लाइट चलाई है। हे ब्लिपी, मैं हूँ मैट द बैट। मैं बस आज रात अपनी पसंदीदा उड़ान पर निकल रहा था, क्या तुम आना चाहोगे? जरूर, मैं सोच रहा था कि चमगादड़ अंधेरे में कैसे उड़ते हैं। मैं दिखाता हूँ, पर एक जरूरी बात है ब्लिपी, हेडलाइट बंद करो। ठीक है। तो चलो। वाह, कितना अंधेरा है। ट्रिक्स, भागो, बचाओ। ब्लिपी, तुमने उस पेड़ को सुना नहीं? नहीं, मैंने नहीं। रुको, तुमने कहा पेड़ को? ध्यान से सुनो। हाँ, मैं रात में सब कुछ सुन सकता हूँ। आगे देखो, पत्थर है। वाओ, ये कैसे कर लेते हो? चमगादड़ों के पास इकोलोकेशन की खास तरकीब होती है। मैं धुन बनाता हूँ और वो चीजों से टकराकर इको होती है।
तो मैं बता सकता हूँ कि चीजें कहाँ है और मैं उनसे कितनी दूरी पर हूँ। सच में डिबो, तुम्हारे पास भी इको लोकेशन है क्योंकि तुम एक रोबोट डॉग हो डिबो। तो चलो इस्तेमाल करें। तो चलो। अच्छी उड़ान है दोस्तों। शुक्रिया, मेरे सवाल का जवाब मिल गया है कि चमगादड़ अंधेरे में कैसे उड़ते हैं। एको लोकेशन। चमगादड़ हाई पिच धुन बनाते हैं जो चीजों से टकराकर इको होती है, तो वो अंधेरे में भी सब कुछ सुन सकते हैं। जवाब अपलोड करो डिबो। ओ देखो, सोने का वक्त हो गया। तुम लोगों के साथ मजा आया ब्लिपी और डिबो। तुम उल्टा लटक कर सोते हो। चमगादड़ कमाल होते हैं। बाय मेटाबेट। वो तालाब में तैरती उन बत्तखों को ध्यान से देखो। वो बिल्कुल सही डिबो, कुछ तो वजह है जो बत्तखें पानी में डूबती नहीं है। मैं सोच रहा हूँ बत्तखें कैसे तैरती हैं। अच्छा आइडिया है डिबो, चलो उस वाली से पूछते हैं। मुझे बत्तख के पैर और पंख चाहिए। डकफिक विंग्स कंफर्म। प्लीपी स्टेशन को एक्टिवेट करो। हम छोटे हो रहे हैं। ब्लिपी मोबाइल रोमांच के लिए तैयार है। इधर आओ बत्तख प्यारी। हीहू, छोटी बत्तख। वो हो, बड़ी बत्तख। रुक जाओ डिबो। हे, मैं हूँ ब्लिपी और ये है डिबो। ओ हेलो ब्लिपी और डिबो, मैं हूँ डेकलेन। तालाब में स्वागत है। तुम लोग तैरने आए हो? दरअसल हम यहाँ ये जानने आए हैं कि तुम तैरते कैसे हो। मैंने कभी इस बारे में सोचा नहीं। हम बत्तखें, हमारे पैर कमाल के होते हैं, देखना चाहोगे? अच्छा आइडिया है। ओ, देखो इसे। हम पास नहीं जा पा रहे। तुम सही हो, हमारे पास दूरबीन है। वो तुम्हें क्या लगता है? तुम्हारे पंजे जुड़े हुए हैं। डिबो सही था, तुमने पैर चलाना बंद कर दिया पर फिर भी तुम तैर रहे हो। जरूर मेरे पैरों की वजह से मैं तैर रहा हूँ। मेरे पास आइडिया है। मुझे लगता है तैरने में हमारे पंख भी बहुत काम आते होंगे। हे टेरी, ब्लिपी को तुम्हारे पंख देखने दो। ये तो पंखों का टनल है और पंखों में तेल भी लगा हुआ है। हम एक खास तेल बनाते हैं जिससे हमारे पंख वाटरप्रूफ रहते हैं। वाटरप्रूफ पंख। वो क्या ये एक बबल है? बबल्स? क्या मतलब है तुम्हारा? ये हवा है। हवा के बुलबुले पंखों के बीच बलून की तरह तैर रहे हैं। तो ये बबल्स हम बत्तखों को पानी के ऊपर रखते हैं। हे टेरी, हमारे पंखों में हवा के बुलबुले हैं। ये सच है। और अब मुझे अपने सवाल का जवाब मिल गया है कि बत्तख कैसे तैरती हैं। बत्तख के पंख हवा के बुलबुलों को फंसाते हैं और हवा पानी में तैरती है, तो बत्तख भी तैरती हैं। जवाब अपलोड करो डिबो। इस सब के लिए शुक्रिया डेकलिन। बाय बाय, तैरते रहो। बाय ब्लिपी। तुम सही कह रहे हो डिबो, ये सचमुच कंगारू क्रॉसिंग है और हम हैं ऑस्ट्रेलिया में। और मुझे लगता है कि हम कभी नहीं जान पाएंगे कि कंगारू कब उछल के सामने आ जाए। क्या शानदार छलांग है। मैं सोचता हूँ कि कंगारू कितनी ऊंची छलांग लगा सकते हैं। अच्छा आइडिया है, हम उस कंगारू से पूछ सकते हैं। मुझे इस काम के लिए मेंढक के पैरों की जरूरत होगी। मेंढक के पैर कंफर्म। ब्लिपी स्टेशन को एक्टिवेट करो। ब्लिपी मोबाइल रोमांच के लिए तैयार है। हम आउटबैक में हैं, तो चलो कंगारू ढूंढते हैं। हेलो, मैं रूनी हूँ।
आप अपनी गोल कार में यहाँ पर क्या देखने आए हैं? हाय रूनी, मैं हूँ ब्लिपी और ये टीबो है। हम देखना चाहते हैं कि कंगारू कितनी ऊंची छलांग लगा सकते हैं। तुमसे मिलकर खुशी हुई। खैर, मैं आपके मोबाइल जितना ऊंचा कूद सकती हूँ, लेकिन छलांग उससे भी ज्यादा लगा सकती हूँ। रोनी काफी ऊंची और बहुत तेज उछल रही है। हाँ, तुम खुद में बहुत तेज हो। क्या तुम दौड़ के लिए तैयार हो? काफी मजा आएगा। ठीक है, चलो उस बड़े सैंडस्टोन पत्थर के चारों ओर दौड़ लगाते हैं। हम उसे उनरू कहते हैं या आयर्स रॉक। वाओ, ये काफी अच्छा है। जो पहले यहाँ पहुँचा वो जीतेगा। चलो रूनी। वैसे रास्ते में शायद एक या दो फैंस आएंगे। बताने के लिए शुक्रिया। आओ ब्लिपी, छलांग लगाओ। सावधान, ये 6 फीट ऊंची है। काफी अच्छी छलांग। और भी ऊपर जाने के लिए तैयार हो? 10 फीट के बारे में क्या ख्याल है? ये सबसे अच्छे जंपर को आज हमने देखा है। और अब मेरे पास मेरे सवाल का जवाब है। कंगारू कितनी ऊंची छलांग लगा सकते हैं? कंगारू जमीन से 10 फीट ऊपर तक छलांग लगा सकते हैं। जवाब अपलोड करो डीबो। हुर्रे, मजेदार था ब्लिपी। अब मुझे थोड़ा ठंडा होना है, इसलिए मैं अपना हाथ चाट रही हूँ। बाय बाय। अरे वाह, क्या बात है टैब्स, ये तो प्यारी सी बिल्ली है। और जरा उसकी बड़ी बड़ी मूंछ तो देखो। मैं सोच रहा था कि बिल्लियों की बड़ी बड़ी मूंछें क्यों होती हैं। बढ़िया आइडिया है टैब्स, चलो उस बिल्ली का पीछा करके पता लगाते हैं। मुझे चाहिए विंग्स। विंग्स कंफर्म। एक्टिवेट ब्लिपी स्टेशन। छोटे हो रहे हैं। ब्लिपी मोबाइल रोमांचक सफर के लिए तैयार है। क्या तुमने कोई बिल्लियां देखी टैब्स? अरे वो क्या था? हे, मैं ब्लिपी हूँ। तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम है किपली और मुझे खाना है ट्रीट। बोलो, तुम मुझसे कुछ छिपा तो नहीं रहे हो? हम क्या छिपा रहे हैं? ट्रीट्स, सुबह से ही मुझे उनकी सुगंध आ रही है। वो करीब है, जल्दी मेरा पीछा करो। मेरे लिए रुको। तुम इतने परफेक्टली लैंड कैसे कर लेती हो? मेरी मूंछों में खास सेंसर्स होते हैं जिससे मेरा बैलेंस बना रहता है, इसलिए मैं हमेशा पैर के बल ही लैंड करती हूँ। ये देखो। आहा। क्या लगता है तुम फिट हो सकती हो? मेरी मूंछों से मैं फैसला कर पाती हूँ कि मैं फंसे बिना रास्ते से निकल पाऊंगी या नहीं। देखो, मैंने कहा था ना। कम ऑन ब्लिपी। कितना अंधेरा है, तुम देख कैसे पाती हो? जब मैं अपने आसपास की चीजें नहीं देख पाती तब मेरी मुझे बता देती है कि आसपास कुछ है। अरे नहीं, यहाँ खाने के लिए कुछ नहीं है, पर हम करीब हैं। चलो मेरे साथ। तुम्हारी मुझे और क्या कर सकती हैं? हल्की सी हवा भी मुझे अपने माहौल की जानकारी दे सकती है और बता सकती है कि स्मेल कहाँ से आ रही है। मेरी मूंछें बता रही हैं कि खाने की चीज है उस तरफ। देखो वहाँ है। वहाँ रात्रि लग गई। आज तो मैं सफर से भी ऊपर खुश हूँ।
कितना रोमांचक सफर था किपली। हमें खाने की चीजें मिल गई और मुझे अपने सवाल का जवाब मिल गया कि बिल्लियों की मूछें क्यों होती है। बिल्लियों की मूछें उन्हें अपने माहौल में सही रास्ता ढूंढने में मदद करती हैं और उनका बैलेंस रखने में मदद करती हैं ताकि वो हमेशा अपनी टांगों पर लैंड करें। जवाब अपलोड करो टैब्स। बाय बाय किपली। शुक्रिया ब्लिपी, तुम्हारे साथ ये रोमांचक सफर तय करके मुझे बहुत मजा आया। बाय बाय। तुम्हारा गिटार सही काम नहीं कर रहा है डीबो। मुझे जानना है कि गिटार कैसे काम करता है। तुमने सही कहा डीबो, चलो चल के पता लगाएं। मुझे विंग्स की जरूरत है। विंग्स कंफर्म। ब्लिपी स्टेशन एक्टिवेट करो। श्रिंक हो जाओ। ब्लिपी मोबाइल एडवेंचर के लिए तैयार है। रॉक एंड रोल सुनकर बहुत मजा आया, शुक्रिया। हे, मैं ब्लिपी हूँ और ये है डीबो। हमें जानना है कि गिटार कैसे काम करता है, हमें दिखा सकते हो? हाँ बिल्कुल, पर मैं खुद गिटार नहीं बजा सकता, इसे सही से बजाने के लिए तुम्हारी मदद चाहिए मुझे। ठीक है। जब मैं किसी तार को छेड़ता हूँ तो वो बहुत तेजी से आगे पीछे होता है जिससे सुर बजता है। ओ, ओ, ओ। हाँ सही कहा डीबो, मेरा तार तुम्हारे तार से ज्यादा मोटा है, तुमसे बैलेंस नहीं हो पा रहा होगा ना? तार जितनी तेजी से आगे पीछे होता है सुर उतना ही ऊंचा होता है। गिटार पर सुर बदलते कैसे हो? उसी के लिए तुम्हारी मदद चाहिए। हे डीबो, क्या तुम गिटार के आखिरी सिरे तक चलते जाओगे? अब फिर से मेरी तरफ आ जाओ। सोलो। अच्छा, मुझे अब समझ में आया कि सुर कैसे बदलते हैं। पर गिटार की बॉडी इतनी बड़ी क्यों होती है? इसका ये हिस्सा आवाज को बढ़ाता है, शुक्रिया। हे, इधर आके साउंड बोर्ड पर खड़े हो जाओ। अरे, अब हम लोग भी ऊपर नीचे हो रहे हैं। जब मैं तार छेड़ता हूँ तो गिटार की पूरी बॉडी वाइब्रेट करती है और वहाँ बना हुआ साउंड होल आवाज को बहुत तेज कर देता है, वैसे ही जैसे चिल्लाते समय मुंह को हाथ से ढकने पर होता है। हेलो। वो, मैंने कितना तेज चिल्लाया। ठीक है, प्रैक्टिस बहुत कर ली, अब वक्त है जैमिंग का। 1, 2, 3, 4। और मुझे मेरे सवाल का जवाब मिल गया कि गिटार कैसे बजता है। गिटार बजता है जब इसके तार वाइब्रेट होकर आवाज करते हैं। ये आवाज और तेज हो जाती है जब इसकी खोखली बॉडी भी वाइब्रेट करती है। जवाब अपलोड करो डीबो। बाय बाय पिकी। बाय ब्लिपी। बाय डीबो। हमेशा गाते और बजाते रहो। सलाद। ओह थैंक्स टैब, मुझे नहीं पता था कि ये पालक मेरे दांतों में फंस गया था। मुझे लगता है कि टूथब्रश मदद कर सकता है। मैं जानना चाहता हूँ कि आप अपने दांतों को साफ करने के लिए टूथब्रश कैसे इस्तेमाल करते हैं। ये अच्छा आइडिया है, हम मुंह में टूथब्रश से मिलने जा सकते हैं। टैब, मुझे अपने विंग्स चाहिए होंगे। विंग्स कन्फर्म्ड। आओ चलो एक्सप्लोर करें। ब्लिपी स्टेशन को एक्टिवेट करो। ब्लिपी मोबाइल रोमांच के लिए तैयार है। ये छोटे होने और मुंह में जाने का समय है। छोटा होना शुरू।
अब हम एक मुंह के अंदर है। तुम सही कह रहे हो टैब, हमें इन दांतों को साफ करने का एक तरीका चाहिए। क्या एक ब्रश मदद कर सकता है? नमस्ते, मैं बिल ब्रश ही हूँ। और तुम कौन हो? हे, मैं हूँ ब्लिपी और ये मेरे साथ है टैब। मैं ये जानना चाहता हूँ कि टूथब्रश का इस्तेमाल हम कैसे कर सकते हैं। सही, आप सही ब्रश के पास आए हैं। मुझ पे सवार हो जाए, मैं आपको दांत साफ करने का अच्छा तरीका दिखाऊंगा। ठीक है। हे बिल ब्रशी, क्या टूथपेस्ट आपके ब्रश वाले हिस्से पर होता है? जी सर, ये दांतों को स्वस्थ और भोजन मुक्त रखने में मदद करता है। ठीक है, अब मैं आपको दांत ब्रश करने का सही तरीका बताता हूँ। आप हर दांत पर छोटे छोटे गोलाकार में ब्रश चलाएंगे। ठीक है, अब सामने का साफ हो गया है, चलो आप पीछे चलते हैं। हम मुड़े, हम पलटे, छोटे घेरों में गोल घूमते हैं। ठीक है, अब कुछ और गोल बनाए। गोल गोल गोल। ये दांत डाढ़ियां मोलर है, मैं इन्हें चूकरू कहता हूँ क्योंकि ज्यादातर चबाने का काम करते हैं। मुझे पता है टैब, टूथ ब्रशिंग एक मजेदार सवारी है। वाह, मुझे लगता है कि मेरे सवाल का जवाब मुझे मिल गया। आप अपने दांतों को साफ करने के लिए टूथब्रश का इस्तेमाल कैसे करते हैं? ये सभी दांतों के आगे पीछे और बीच में छोटे छोटे सर्कल मोशन में ब्रश करके साफ करता है, और इससे दांतों के बीच से सारा खाना बाहर निकल जाता है और वे अच्छे और साफ हो जाते हैं। जवाब अपलोड करो टैब। आपकी मदद के लिए धन्यवाद ब्लिपी। सुपर स्पार्कलिंग दांतों के लिए दिन में 2 बार हर बार 2 मिनट तक ब्रश करना याद रखें। हम जरूर याद रखेंगे। हमें साथ ले चलने के लिए धन्यवाद ब्रशी। अलविदा। सही कहा डीबो, स्नो ने तो ब्लिपी मोबाइल को जाम करके रख दिया है। मैं सोच रहा हूँ हम यहाँ से बाहर कैसे निकल पाएंगे। ओहो, अरे देखो, ये मैं हूँ एक्सकवेटर, स्नोई एक्सकवेटर। हे स्नो, जाओ आया स्नोई एक्सकवेटर। मेरे पास बड़ा आम और जो साफ करूं स्नो तो होगी धूम। मुझसे बर्फ को है डर, स्नोई एक्सकवेटर। मेरे पास है बकेट, बर्फ उठाऊं झट से, खाली कर दूं सड़के तो बच्चे खेलें। बर्फ गिराऊं भर भर के, स्नोई एक्सकवेटर। क्या खबर है तुम? लाइट से देखो जिधर, मैं हूँ एक्सकवेटर, स्नोई एक्सकवेटर। हे स्नो, जाओ आया स्नोई एक्सकवेटर। हाँ सही कहा डीबो, ऊपर आकर खेलने में सच में मजा आएगा। और हम चले, 3, 2, 1, वूहू! वाह! वाह! वूहू! वाह! ये! वाह! कितना मजा आ रहा है डीबो? तेरे वर्कर्स बैठे जहाँ कुसे कहते हैं कैप, मुझ में है कई गुण पर नहीं कोई है। मैं लगाता बर्फ का ढेर, स्नोई एक्सकवेटर। देखो देखो काम करूं सारा दिन, क्या तुम कभी सोते हो? कुछ नहीं करता मैं काम के बिन, मैं हूँ एक्सकवेटर, स्नोई एक्सकवेटर। हे स्नो, जाओ आया स्नोई एक्सकवेटर। स्नोई एक्सकवेटर, मैं हूँ एक्सक।
ये आवाज कैसी आ रही है? ओह, ये तो एक रेस कार है और वो कितनी तेज जा रही है। तुमने ठीक कहा था, ब्लिपी मोबाइल कभी इतना तेज नहीं भाग सकती। पता नहीं रेस कार्स नॉर्मल कार से इतनी तेज क्यों होती है। बहुत ही बढ़िया आइडिया है डीबो, हम रेस ट्रैक पे जाकर पता लगाते हैं। और मुझे चाहिए रेस कार के टायर्स। रेस कार टायर कंफर्म। एक्टिवेट ब्लिपी स्टेशन। ब्लिपी मोबाइल रोमांचक सफर के लिए तैयार है। हाय, क्या तुम दोनों रेस ट्रैक ट्राई करने के लिए यहाँ पर आए हो? हे, ये मैं हूँ ब्लिपी और ये है डीबो। हम यहाँ ये पता लगाने आए हैं कि रेस कार्स रेगुलर कार्स से इतनी तेज क्यों होती है। हाय, मैं हूँ रिकार्डो, मैं तुम्हें अपना ट्रैक दिखाता हूँ, चलो रेस करें। तो हो जाए। रेस करने से पहले मेरे पास तुम्हारे लिए एक बहुत जरूरी काम है डीबो। मैं चाहता हूँ कि तुम पिट स्टॉप के कैप्टन बनो। रेस के दौरान मैं यहाँ आऊँगा ताकि तुम मेरी बढ़िया सर्विसिंग कर सको। क्या तुम ये काम कर पाओगे? कोशिश अच्छी थी डीबो, पर तुम मेरे टैंक में गैस भरोगे और मेरे टायर्स बदलोगे। ओके, रेस का वक्त हो गया। हेलमेट पहनो और सीट बेल्ट लगाओ। मैं काफी तेज जा रहा हूँ। मैं अपनी पूरी तेजी से भी नहीं जा रहा, सिर्फ 180 माइल्स प्रति घंटे की स्पीड ही है। नॉर्मल कार्स के मुकाबले रेस कार्स हल्के मटेरियल की बनी होती हैं और साथ ही मेरे शेप की वजह से मैं तेज हवा में आसानी से रेस कर पाता हूँ। इसे कहते हैं एरोडायनामिक्स। तुम्हारा और मेरी ब्लिपी मोबाइल का आकार बिल्कुल अलग है। पिट स्टॉप कैप्टन, चलो अपना काम करो। तुम कर सकते हो डीबो। रिकार्डो, क्या तुम्हारे पास स्पेशल टायर्स हैं? बिल्कुल, मेरे टायर्स नॉर्मल कार्स के टायर से ज्यादा चौड़े और नर्म होते हैं ताकि मैं सुपर हॉट ट्रैक पर भी फुल स्पीड में आगे बढ़ सकूं। थैंक्स डीबो। अब तुम और भी तेज हो गए हो। मेरा ताकतवर इंजन नॉर्मल कोर्स के इंजन से 5 गुना ताकतवर है। मैं अपनी 220 माइल्स प्रति घंटे की टॉप स्पीड पर पहुंच सकता हूं। फिनिश लाइन के बाद मिलते हैं ब्लिपी। वो सच में मजा आ गया है। और अब मुझे अपने सवाल का जवाब मिल गया है कि नॉर्मल कार्स की तुलना में रेस कार्स इतनी तेज क्यों होती हैं? वो इसलिए कि रेस कार्स एरोडायनामिक होती हैं और हल्के मटेरियल की बनी होती हैं। उनके पास होते हैं स्पेशल टायर्स जो गर्म ट्रैक पर रेस कर सकते हैं और एक सुपर पावरफुल रेस कार इंजन होता है। जवाब अपलोड करो डीबो। बाय बाय रिकार्डो। बाय फ्लिपी। बाय डीबो। चाओ। रात में ड्राइव करके कितना मजा आता है। सारी गलियां सिर्फ हमारी होती है। ओहो, ये क्या था? इतनी रात को जानवर बाहर थोड़े ही निकलते हैं। सही कहा डीबो, ये तो कोई जानवर ही है। मैं सोच रहा हूँ कि कुछ जानवर रात में ही क्यों निकलते हैं। मुझे ग्रैबर आर्म की जरूरत है। ग्रैबर आर्म कंफर्म्ड। ब्लिपी स्टेशन एक्टिवेट करो। छोटे हो जाओ। तो ब्लिपी मोबाइल एडवेंचर के लिए तैयार है। चलो उस रात में घूमने वाले जानवर के पास चलें। हाय, मेरा नाम
रीटा द रकून है। तुम्हारा क्या है? हे, मैं ब्लिपी हूँ और ये है डीबो। हम सोच रहे थे कि कुछ जानवर जैसे कि तुम रात में बाहर क्यों आते हो। देखो, मैं निशाचर हूँ, मतलब जो काम तुम दिन में करना पसंद करते हो मैं रात को करना पसंद करती हूँ। क्या बात है। हे, क्या ये चीज मुझे खाना ढूंढने में हेल्प करेगी? हाँ जरूर, मुझे लगता है ब्लिपी मोबाइल लगभग हर काम कर सकती है। ये तो गई डीबो, रकून के पीछे चलो। चलो तेज दौड़ो। रीटा, तुम्हें ब्लिपी मोबाइल को बिना पूछे नहीं लेना चाहिए था, ये तो चोरी है। सॉरी, हम रकून्स खाना ढूंढने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। मैं कांप रहा हूँ रीटा, रात में कितनी ठंड है। तुम्हें ठंड नहीं लग रही? मुझे बिल्कुल नहीं। मेरे पास ये बड़ा सा फर कोट है जो मुझे सारी रात गर्म रखता है। काश मेरे पास कोई बड़ा सा कोट होता जो मुझे गर्म रखता। वो, अरे वो देखो। वो कुछ नहीं है ब्लिपी, ये देखो। थैंक्स रीटा। जानवर होने का ये एक और बड़ा फायदा है, जितने भी जानवर मेरा पीछा करते हैं वो अभी सोए हैं। मुझे अच्छा लगता है जब आसपास शिकारी जानवर नहीं होते। कुछ अच्छी खुशबू है, चलो। तो ब्लिपी मोबाइल में चलो, इस बार मैं चलाऊंगा। वो रहा, यही रुक जाओ। ये तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड लगता है रीटा, तुम इसे कैसे खोलोगी? कोई दिक्कत नहीं, रकून्स बहुत जुगाड़ू होते हैं अगर खाना मिलने की बात हो तो। जैकपॉट। दूसरे जानवर नहीं है तो मुझे ये खाना बांटना भी नहीं पड़ेगा। क्या शानदार एडवेंचर रहा, और मुझे मेरे सवाल का जवाब भी मिल गया कि कुछ जानवर रात में बाहर क्यों निकलते हैं। कुछ जानवर रात में बाहर निकलते हैं क्योंकि खाने के लिए कम कॉम्पिटिशन होता है, आसपास शिकारी जानवर और दूसरे लोग कम होते हैं और रात में ठंड भी होती है। जवाब अपलोड करो डीबो। गुड बाय ब्लिपी, मैं चली और अच्छे कचरे के डिब्बे की ओर। बाय बाय रीटा। वाओ, वो काफी ऊंचा पहाड़ है। मुझे यकीन है कि इससे भी ऊंचे पहाड़ है टैप, है ना? मैं सोच रहा हूँ कि दुनिया का सबसे ऊंचा पहाड़ कौन सा है। बढ़िया आइडिया टैप, हम हिमालय जाएंगे और पता लगाएंगे। मुझे पंख और ग्रैबर आर्म्स चाहिए होंगे। विंग्स, ग्रैबर आर्म कंफर्म। ब्लिपी स्टेशन को एक्टिवेट करो। मोबाइल रोमांच के लिए तैयार है। आइए जानते हैं दुनिया के सबसे ऊंचे पहाड़ के बारे में। याहू! हे, मैं हूँ ब्लिपी और ये है टैब। हमें सबसे ऊंचे पहाड़ की तलाश है। मैं अभी पहाड़ चढ़ रहा हूँ। हेलो, मेरा नाम बड़ी यति है। मैं अभी ऊपर की ओर जा रहा था, वही सबसे ऊंची बर्फ है। पुरानी बर्फ से बुरा कुछ नहीं, कुछ नहीं। क्या मैं भी साथ टैग आ सकता हूँ? मैं देखना चाहता हूँ कि सबसे ऊंचे पहाड़ की चोटी कैसी दिखती है। हाँ जरूर, लेकिन तैयार हो जाओ, ये पहाड़ बहुत ऊंचा है। कितने ऊपर आ गए हैं, और यह बहुत ज्यादा ठंडा है टैब। शुक्रिया टैब, मुझे गर्म कोको बहुत पसंद है। पकड़ लिया। ये काफी करीबी मामला था। हे, ये पहाड़ की चोटी है। हाँ, हम पहुँच गए। अरे वाह, यहाँ बहुत तेज हवा चल रही है। मैंने तुम्हें पकड़ लिया ब्लिपी। तो ये बताओ, इस पर्वत का नाम क्या है? इसे हिमालय कहते हैं। ओह, तुम इसे माउंट एवरेस्ट भी कह सकते हो। तुम
तुमने सही कहा टैब, मुझे मेरे सवाल का जवाब मिल गया। दुनिया का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? वो है माउंट एवरेस्ट। ये पहाड़ 29,035 फीट ऊंचा है। जवाब अपलोड करो टैब। और यहाँ की बर्फ बहुत ही स्वादिष्ट है। बर्फ की डकार। अब अपने स्नो स्नैक का आनंद लें। अलविदा बेटी एटी। बाय ब्लिपी। मुझे समुद्र किनारे पर घूमना बहुत पसंद है। वाह, उड़ने वाली मछली। मैं सोचता हूँ कि आखिर समुद्र के नीचे है क्या। ये अच्छा आइडिया है टैब, हम समुद्र के नीचे जा सकते हैं और पता लगा सकते हैं। मुझे बत्तख के पैर और एक प्रोपेलर की जरूरत होगी। बत्तख के पैर, प्रोपेलर कंफर्म। ब्लिपी स्टेशन को एक्टिवेट करो। ब्लिपी मोबाइल रोमांच के लिए तैयार है। ये यहाँ नीचे एक अलग ही दुनिया है। क्या यह किसी तरह के पानी के नीचे का जंगल है? बिल्कुल, ये एक जंगल है। यहाँ आपका स्वागत है। मेरा नाम है जेरी, जेरी द जेलीफिश। हे, मैं ब्लिपी हूँ और ये टैब है। हम यहाँ समुद्र के बारे में जानने आए हैं। अरे हाँ, यहाँ बहुत कुछ है। समुद्र एक आश्चर्य से भरी दुनिया है। मैं अपने दोस्तों से मिलने जा रहा हूँ। चलो, मैं रास्ते में तुम्हें सब बताता चलूँगा। ठीक है, शुक्रिया जेरी। पहला पड़ाव हमारे कैल्प का जंगल। ये कैल्प कम से कम 150 फीट तक बढ़ सकता है। वाह, ये कितना लंबा है। अरे हाँ, लेकिन कभी कभी यहाँ के आसपास का पानी कैल्प को इधर उधर बहा देता है। कैल्प, कैल्प! ओह नहीं, ऐसा कभी नहीं हुआ है। ये अच्छा आइडिया है टैब, आओ हमारे टर्बो बूस्टर का इस्तेमाल करें। ओह अच्छा, जानकर खुशी हुई कि तुम ठीक हो। अब आगे बढ़ते हैं। वाह, वो मछली नीले रंग की है और उसकी नाक भी लंबी है। वो एक नीली मार्लिन है। वो अपना भोजन ढूंढने और पकड़ने के लिए अपनी नाक का इस्तेमाल करती है। वो तेज है। वो। ओ नहीं, ऐसा कभी नहीं होता। हाँ डैब, यहाँ अंधेरा है। हम कहाँ हैं जेरी? जेरी, ब्लिपी, क्या तुम वहाँ हो? अरे नहीं, रुको। मैंने एक क्रेविल को डरा दिया और उसने तुम्हें अपने ब्लू होल से निकाल दिया। ऐसा कभी नहीं होता। हमें वहाँ से निकालने के लिए शुक्रिया जेरी। ओह, तुम चमक रहे हो। मैंने कहा था ना कि सागर बहुत अलग चीजों से भरा हुआ है। हे देखो, वो तुम्हारे दोस्त हैं। हेलो दोस्तों, तुम लोगों ने मुझे ढूंढ लिया और मुझे मेरे सवाल का जवाब मिल गया। समुद्र के नीचे क्या है? एक कैल्प का जंगल, ब्लू मार्लिन, विशाल वेल और जेलीफिश है जो चमक उठती है। उत्तर अपलोड करो टैब। और हम केवल चैप्टर एक पर है। चैप्टर दो में एक ऑक्टोपस और एक शार्क और एक समुद्री कछुआ और एक टूना भी है। बाय जेरी। एक ऊदबिलाव, एक समुद्री घोड़ा और एक झींगा मछली और एक स्ट्रिंग रे भी है। हाँ, मुझे भी हैलोवीन में सजे हुए डरावने घर देखना बहुत पसंद है। वाह, वो सारे जैको लैंटर्न्स देखो। चलो पास से देखें। हाय ब्लिपी। याइक्स। ओह हेलो प्यारे कद्दू भाई, आपने तो हमें डरा दिया। तुम्हारा स्वागत है ब्लिपी, मुझे डराना पसंद है, मजा आता है मुझे। मजा आता है? मुझे जानना है कि डराना सच में मजेदार है। जानने का एक ही तरीका है, तो चलो स्केयर कॉन्टेस्ट रखते हैं। ठीक है, चलो करते हैं। याइक्स! टीम पंपकिन का एक स्कोर हो गया। टीम? और तो कोई दिख नहीं रहा। ओह याइक्स! ओह, कैसे हो कंकाल? पंपकिन के दो पॉइंट। आओ कंकाल, अब किसी और तरह से डराएं। हमें इन्हें भी अच्छे से डराना है डीबो, पर कैसे डराएं? एक अच्छा आइडिया आया। मैं मास्क पहनकर तुम्हारे कंधों पर खड़ा हो जाता हूँ और तुम ऐसे चीखो।
आगे बढ़ो। वाह, ये तो बहुत ही अच्छा है। वो, वो, वो। टीम ब्लिपी का एक पॉइंट हो गया। तुम्हें मानना पड़ेगा ब्लिपी। ये बहुत अच्छे डीबो। वो देखो, एक रहस्यमय बरामदा। अरे वाह, इससे तो वो लोग बहुत डर जाएंगे। टीम ब्लिपी के हो गए 2 पॉइंट्स। अगला स्कोर करने वाली टीम बनेगी विनर। रुको डीबो, एक आइडिया आया है। उस डेकची में छुप जाते हैं, फिर अचानक से निकल के कद्दू भाई और कंकाल भाई को डराएंगे। अरे कंकाल, चलो उस डेकची में छुप जाए और अचानक निकल के ब्लिपी और डीबो को डराए। ये तो टाई हो गया। ठीक है, हैलोवीन सबसे बेस्ट है, पर मेरे सवाल का जवाब अब तक नहीं मिला कि क्या डराना सच में मजेदार है। ठीक है, जवाब अपलोड करो डीबो। इतने शानदार स्केयर कॉन्टेस्ट के लिए बहुत बहुत शुक्रिया कद्दू भाई, और हमें बहुत मजा आया। बिल्कुल ब्लिपी, मुझे भी बहुत मजा।